सुनीता सिंह, पीएस नगला रामबल से असिस्टेंट टीचर, ब्लॉक सांसनी, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति। हमारा टॉपिक क्या है? ज्यामिति। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये क्या है? बिंदु। क्या है ये? बिंदु। बिंदु जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होगी। ठीक। और इन्हीं बिंदुओं से मिलकर, जैसे अगर मैं इन्हें पास पास ऐसे मिला दूं, ये क्या बन जाएगी? किरण। क्या बन जाएगी? किरण। क्या बन जाएगी? किरण। तो इसका मतलब अगर हम आसान भाषा में इसको जाने तो ये क्या हुआ कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अनंत तक जाने वाली आकृति को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। ठीक। और ये अनंत तक जाती है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, आप इसको कहीं रोक नहीं सकते। ठीक। लेकिन यही किरण अगर दोनों तरफ चले तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखा। रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। और अगर मैं इसी रेखा को एक तरफ से रोक दूं, जैसे मैं इसको कोई पॉइंट दे दूं, यहाँ रुकी है, जिसको हम माप सके, तो ये हो जाता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड। ठीक है। इसको देखो हम कैसे समझ सकते हैं। ये हमारा बिंदु है। ठीक है। अब इससे मैं इसे अनंत तक ले जाऊं, यानी कि इसका कोई छोर कोर ना हो, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर किरण। ठीक। अब किसी को मैं एक छोर दे दूं, दोनों तरफ कर दूं, तो ये बन गई हमारी रेखा। और इसको मैं यहाँ पर अगर जोड़ दूं, तो ये बन जाता है हमारा रेखा खंड। ठीक है। अब रेखा खंड के बाद ये क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है। ये होती है हमारी त्रिभुज। अब क्या दिख रहा है? और क्या कहते हैं? वर्ग, स्क्वायर। क्या बोलते हैं? यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो होता है हमारा वर्ग। और इसी में एक आकृति अगर हम लें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, बहुत अच्छे। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कौन सी? जैसे लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। ठीक है। इससे हम बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। देखो, क्या है ये? षटकोण। देखो, इसकी छह भुजाएं बराबर हो, ये हो गया षटकोण। अगर इसी में मैं एक भुजा कम कर दूं, पंचभुज, षटभुज, पंचभुज। ठीक है। और इसको अगर मैं पूरा ले लूं, तो ये हो जाता है हमारा वृत्त। ठीक है। अब देखो, इसी में थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे? कोण। कोण पढ़े हैं सबने? ये कौन सा कोण है? समकोण। ठीक। समकोण, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। इसमें देखो, यहाँ 90 का एंगल बनता है, ये होता है हमारा राइट एंगल। इसके बाद अगर 90 से कम है कोई भी एंगल, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है। न्यून कोण के बाद अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो स्ट्रेट एंगल, पढ़ा है 180 डिग्री। ठीक है। अगर इसे 180 से ऊपर ले लूं तो 90 से ज्यादा अधिक कोण। ठीक है। इसके बाद 180 से भी नीचे ले लूं इसे, रिजु कोण, जो कि 180 को बोलते हैं रिजु कोण, इससे अगर नीचे लेती हूं तो ये हो जाता है बृहद कोण।
जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। इसके बाद ये पूरा एंगल संपूर्ण कोण, ठीक है। इसे मैं यहाँ से पूरा तुम्हें सर्कल दिखा दूं तो ये हो जाता है हमारा पूरा संपूर्ण, ठीक है। बस इतना ही हम ज्यामिति के अंदर ये पढ़ते हैं। थैंक यू।